किसान भाइयों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं गन्ना पे। गन्ना का रेट जो है केंद्र सरकार ने कितना बढ़ाया है और राज्य सरकार ने कितना बढ़ाया है, इस पे हम आज फुल चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही खेती से रिलेटिव अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। तो किसान भाइयों जो गन्ना का रेट है, केंद्र सरकार ने 15 रुपये प्रति क्विंटल रेट बढ़ाया है। ये बता दूं तो अमर उजाला पेपर में हमने एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था 4 अगस्त 2022 की पोस्ट में ये था कि केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए गन्ने के दाम में 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है 2022-23 में। इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उन पर निर्भर रहने वालों का फायदा होगा, साथ ही इस क्षेत्र और चीनी मिल में काम कर रहे 5 लाख कामगारों को भी फायदा होगा। गन्ना का पेराई सत्र नवंबर या अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये जो मैं हमने बताया आपको, ये अमर उजाला में निकला था, आप पोस्ट पढ़ भी सकते हैं, 4 अगस्त 2022 की ये पोस्ट है। आप किसान भाइयों बात करें अगर गन्ने के मूल्य की, तो गन्ना मूल्य कितना होना चाहिए? गन्ना मूल्य किसान भाइयों जैसा कि 350 रुपये होना चाहिए, कि आपका मान लिया 380 होना चाहिए, कि आपका 400 होना चाहिए, कि 450 होना चाहिए। किसान भाइयों आज मैं फुल इस पे बात करने वाला हूँ, 350 गन्ना रेट होना चाहिए कि 380 होना चाहिए, कि 400 होना चाहिए, कि 450 होना चाहिए। किसान भाइयों आज मैं इस पे फुल बात करने वाला हूँ। अगर किसान आप गन्ना करते हो किसान भाई, तो आप इतना तो कम से कम करो, हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए 350 रेट रहना चाहिए, कि 380 रहना चाहिए, कि 400 रहना चाहिए, कि 450 रहना चाहिए। क्योंकि किसान भाई ना तो आप कमेंट करते हो ना वीडियो को शेयर करते हो, जब आप कमेंट नहीं करोगे शेयर नहीं करोगे तो दूसरे किसानों तक पहुंचेगा नहीं, तो कैसे बात पता चलेगी? किसान भाई जो रेट मिल रहा है हमें उसमें खुश हैं कि नहीं खुश हैं, उनको नुकसान हो रहा है कि लाभ हो रहा है? तो किसान भाइयों जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे, वीडियो पे कमेंट नहीं करोगे कितना रेट रहना चाहिए, तब तक जो हमारे ऊपर बैठे लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा रेट कितना रहना चाहिए? तो किसान भाइयों गन्ने का रेट 2022-23 में कितना रहना चाहिए ये हमको आप कमेंट करके जरूर बताएं। 350 रहना चाहिए, कि 380 रहना चाहिए, कि 400 रहना चाहिए, कि 450 रहना चाहिए। अब बात करेंगे केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने किसान भाइयों 15 रुपये प्रति क्विंटल जो है गन्ने का रेट बढ़ाया है। अब राज्य सरकार ने तो अभी तो कोई मूल्य बढ़ाया नहीं है, और बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब में जो है रेट बढ़ाया गया है। पंजाब में जो किसान भाइयों हैं गन्ने का रेट बढ़ा है 20 रुपये वहाँ पर गन्ने का रेट बढ़ा है। वैसे हरियाणा सबसे ज़्यादा जो देता था गन्ने का रेट, लेकिन अब पंजाब नंबर वन पे है इस टाइम। पंजाब में सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट किसान भाइयों मिल रहा है। तो किसान भाइयों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास शेयर करो, जिससे कि पहुँच पाए कि गन्ना रेट क्या रहना चाहिए। किसान भाई कमेंट करें जिससे पता चले कि गन्ना रेट वास्तव में रहना क्या चाहिए, कितना रहना चाहिए, 450, 400, 380, 350 कितना रेट रहना चाहिए। किसान भाई कमेंट करके बताओ, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही खेती से रिलेटिव अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। किसान भाई मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।